आज आप इस मंच पे बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हैं और निश्चित रूप से कई सवाल आपके मन में है कि आज इतने विभिन्न दल के लोग यहां एक साथ कैसे हैं। निश्चित रूप से ये आज की राजनीतिक परिस्थिति जो देश के अंदर कायम हो रही है और जिस तरीके से सांप्रदायिक ताकतों का बोलबाला बढ़ रहा है, चारों तरफ पूरे देश के अंदर एक भय और डर का माहौल है। हमेशा से एकता अखंडता का प्रतीक रहा यह देश, आज कहीं ना कहीं इस पर बड़ा धक्का लगा है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश और राज्यों को चलाने का प्रयास कर रही है, मुझे लगता है ये देश के लिए आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयावह स्थिति पैदा करने वाला है। आज निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय दल उपस्थित हैं और निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि आज जिस तरीके से यहाँ क्षेत्रीय दल एक साथ एकत्रित है, इससे यही लगता है कि जितने करीब से हम क्षेत्रीय दल यहाँ के लोगों का भावनाओं को समझ पाते हैं और उनके साथ चल पाते हैं, निश्चित रूप से आज इस मंच के माध्यम से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला समय हम सभी क्षेत्रीय दल एक साथ एक मंच पे खड़ा होकर ऐसे सांप्रदायिक ताकतों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज हर तरफ हर वर्ग हर समुदाय के लोग कहीं ना कहीं मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे किसी जाति समुदाय के लोग हों, सभी के प्रति और विशेषकर तो यहाँ के इस देश के आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के ऊपर तो जिस तरीके से सरकार बनने के दूसरे दिन से ही अत्याचार प्रारंभ हुए वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो गुजरात की बात कहें, चाहे वो झारखंड की बात कहें, चाहे वो बंगाल की बात कहें, चाहे वो देश की किसी भी राज्य की बात कहें, हर जगह वर्षों से जिस तरीके से इन वर्गों के साथ शोषण होता रहा, आज बदस्तूर लग रहा है कि वो फिर से दिन वापस आ गया और आज सभी ऐसे वर्ग डरे सहमे हैं। आज निश्चित रूप से आदरणीय दीदी ने यहाँ पर जो हम सब लोगों को एकत्रित कर एक ताकत इकट्ठा करने का प्रयास किया है, हम धन्यवाद देंगे। निश्चित रूप से जिस मुहिम के साथ आज हम यहाँ खड़े हैं, आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी को देश से तो क्या राज्यों से भी उखाड़ फेंकने का काम करना पड़ेगा। आज हम चूंकि झारखंड सबसे अत्यंत पिछड़े राज्यों से आते हैं और हमारे राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और जिस तरीके से चार सालों से वहां के आदिवासी दलित पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है वो भी एक इतिहास बन के तैयार खड़ा हो रहा है। लगातार वहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जिस तरीके से सामाजिक उन्माद फैलाए जा रहे हैं, निश्चित रूप से हम भी इस बात के लिए अब तैयार हैं कि इस बार 2019 में आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, अन्यथा इस देश की एकता अखंडता की जो ताकत है, जो पूरी दुनिया में मिसाल है, जिसका पूरा देश लोहा मानता है, पूरा दुनिया लोहा मानता है, वो कमजोर होगा। निश्चित रूप से विशेषकर नौजवान साथियों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस देश को हमारे पूर्वजों ने बहुत मजबूती से बांध के रखा था,
ये टूटने ना पाए, इसके जिम्मेदारी अब नौजवानों को लेना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा और ऐसे सांप्रदायिक ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। इसलिए साथियों, मंच बहुत बड़ा है, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और आप हड़पन जहां तक आप सटेर कान बया को आपे हो नवा तैयार थान पे नुकु सांप्रदायिक ताकत जवाब बने माकुआ और नवा दिशा को नंबर लगा कुआ अडी अडी सराव आरंभिदा गुण मनाओ जोहार।